स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो हमारी प्रश्नावली 3.3 है, ये विभाज्यता के नियमों पर आधारित है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग विभाज्यता के नियमों को समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पर चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या समझने वाले हैं, विभाज्यता का नियम। अगर हमारे पास कोई भी संख्या दी गई है तो उस संख्या को देख करके हम यह कैसे पहचानेंगे कि यह संख्या किसी संख्या से विभाज्य है। जैसे कि कोई संख्या दी गई है, आप समझिए, यहाँ पर हमने कोई संख्या लिखी और हम जानना चाह रहे हैं कि यह संख्या क्या 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके लिए भाग दिए बगैर हम लोग यह पता लगा सकते हैं कि ये जो संख्या दी गई है वो 2 से विभाज्य है या नहीं है। ऐसे नियमों को सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी संख्या है वो 2 से विभाज्य है, इसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो 2 से विभाज्यता की जांच देखते हैं। 2 से विभाज्यता की जांच, स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी संख्या दी गई है जिसके इकाई का अंक आप लोग समझते हैं, जैसे यहां पर एक संख्या लिखी गई है तो यहां पर ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है और ये सैकड़े का अंक होता है, ठीक है। तो ये जो इकाई का अंक है, कोई संख्या दी गई है जिसके इकाई का अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो 2 से विभाज्यता की जांच आप कैसे करोगे, जैसे आपने कोई संख्या, हमने यहां पर दी, आपको दी संख्या, तो हम पूछ रहे हैं आप बताइए कि क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है। तो अब आप इसे देख के ही पहचान सकते हो, कैसे, आपको देखना है कि इसके इकाई का अंक क्या है। तो इकाई के अंक पर आपको 0 मिल गया तो हाँ, ये संख्या 2 से विभाज्य है। अगर आप इस संख्या को 2 से काटोगे तो पूरी तरीके से कट जाएगी। चलिए, तो 2 से विभाज्यता का नियम आप लोग सीख गए। उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल, चलिए हमने अगर यहां पर 10 लिया, चलिए कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक है, देख सकते हैं। अब अगर आप इन संख्याओं को 2 से काटेंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 है, 2 है, यहां पर 8 है, यहां पर 6 है, चलिए हमने एक ले लिया जिसके इकाई का अंक 4 है, तो ये सब 2 से पूरी तरीके से कट जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 2 से विभाज्यता का नियम हो गया। चलिए अब हम लोग 3 से विभाज्यता की जांच का नियम सीख लेते हैं। विभाज्यता की जांच, स्टूडेंट आप समझिए कि अगर आपके पास कोई भी संख्या दी गई है, ठीक है, तो संख्या में कुछ डिजिट होंगे, जैसे इकाई का अंक होगा, दहाई का अंक होगा, सैकड़े का अंक होगा, हजार पर होगा, 10,000 पर। चलिए हमने यहां पर एक संख्या लिखी, ठीक है, इस तरीके से हमने संख्या लिखी। अब ये जो संख्या है इसमें जितने भी अंक है इनके अंकों का योग आप लिखिए, अंकों का योग, जैसे 7 + 2 + 9, ठीक है, 7 × 2 = 9, 9 = 18। जो हमारे पास अंकों का योग आया, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, समझ गए। अब यहां पर जो 18 आया है, 18 को जब आप 3 से काटोगे तो पूरी तरीके से कट जा रहा है। तो इसका मतलब अब यहां पर ये जो संख्या है, इस संख्या को जब आप 3 से काटोगे तो संख्या पूरी तरीके से 3 से विभाजित हो जाएगी। तो लिखिए, संख्या के अंकों का योग तीन से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपको कोई बड़ी सी संख्या दी गई है तो उसको आप देख करके नहीं बता सकते 3 से विभाज्य, तो उसके अंकों का योग निकालेंगे, 3 से भाग देंगे, अगर कट जा रहा है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहां पर हमने क्या ले लिया, समझिए 27 लिया, ठीक है, 27 के अंकों का योग करिए, 2 + 7 कितना आ गया, 9। अब 9 को आप 3 से काटोगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा, जब 9 संख्या के अंकों का योग 3 से कट जा रहा तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, हमने इसको लिया, अब आप इसके अंकों का योग लीजिए, देखिए 8 + 1 क्या हो गया, 9,
ये भी 3 से कट ही जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, ठीक है। चलिए हमने एक संख्या और ले ली, अब देखिए क्या ये संख्या 3 से कटेगी, आप कैसे पता लगाओगे कि आप इसके अंकों का योग लेंगे, ठीक है। 2 + 4 + 3 करेंगे, 2 4 6 3 9, देखिए 9 3 से कट जा रहा है, तो 243 भी 3 से कट जाएगी। काट के दिखाते हैं हम आपको, देखिए 243 से इसको आप काटिए 3 से, 3 8 24 पूरी तरीके से कट गया, 3 उतारा हमने, 1 3 ये भी कट गया, देखिए कट गया कि नहीं कट गया, तो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जा रही है। 3 से विभाजिता की जांच कैसे करेंगे, इस नियम को आपने सीख लिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग 4 से विभाजिता के नियम की बात कर लेते हैं। विभाज्यता की जांच, अब स्टूडेंट आपके पास समझिए कोई संख्या है, उस संख्या में उसके इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे हमने समझिए यहां पर एक संख्या ले ली, चलिए एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, हमने एक संख्या ले ली 864, अब आप इकाई और दहाई के अंकों को देखिए क्या 4 से विभाज्य है, देखिए इकाई और दहाई के अंक पर क्या है 4 6, संख्या क्या बनी 64, अब ये जो 64 है अगर 4 से विभाज्य होगा तो क्या हो जाएगा, ये संख्या भी 4 से विभाज्य होगी, देखिए क्या हो गया, आ गया यहां पर 2 4 4 6 24 कट गया, तो ये 64 4 से विभाज्य है, इसलिए ये जो संख्या 864 है ये भी 4 से विभाज्य होगी। नियम समझ गए, जो भी संख्या दी गई, चलिए हम एक बड़ी सी संख्या लिख के आपको दिखाते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल आप लीजिए। चलिए हमने ले लिया यहां पर कुछ इस तरीके से संख्या, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या ले ली, अब हम देखना चाह रहे हैं कि यह संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है, तो 4 से विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग चलेंगे इसके इकाई और दहाई के अंक पर। इकाई और दहाई का अंक देखिए क्या 2 3 है, तो संख्या क्या बनी 32, अब ये जो संख्या 32 बनी है देखिए क्या 32 4 से कट जा रहा है, तो 4 1 4 4 8 32 पूरी तरीके से कट गया, तो इससे हमारी समझ में आया कि ये जो संख्या दी गई ये भी 4 से कट जाएगी, आप लोग काट के चेक करना पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, तो 4 से विभाज्यता का नियम आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले नियम पर चलते हैं, और अगला नियम हमारी 5 से विभाज्यता का नियम है, ठीक है, 4 से विभाज्यता का नियम आप लोग समझ गए हैं, चलिए 5 से विभाज्यता का नियम सीखते हैं हम लोग। विभाज्यता का नियम, स्टूडेंट अगर आपके पास कोई भी संख्या है जिसके इकाई का अंक 0 है या फिर 5 है, तो संख्या 5 से विभाज्य होगी, लिखिए इकाई के अंक 0 या 5 वाली संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे आपके पास कोई संख्या है 20, इकाई का अंक क्या है 0 है, तो ये संख्या 5 से विभाज्य है, ठीक है, जैसे 5 6 20, 5 से काटोगे तो 4 आ जाएगा। अब आपके पास कोई संख्या 35 है, देखिए इकाई का अंक 5 आ गया, तो ये 5 से विभाज्य होगा। आपके पास कोई संख्या इस तरीके से आ गई, इकाई का अंक क्या है 5 है, तो संख्या 5 से विभाज्य है। आपके पास कोई ऐसे बड़ी सी नंबर आ गई, इकाई का अंक 0 है, तो संख्या 5 से विभाज्य है, ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए 5 से विभाज्यता का नियम। चलिए 6 से विभाज्यता के नियम की बात कर लेते हैं। विभाज्यता का नियम, ठीक है, कोई भी संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं इसकी जांच आप कैसे करेंगे, अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है तथा 3 से भी विभाज्य है, ठीक है, अगर कोई संख्या, ये विभाज्यता का नियम स्टूडेंट आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से सीखना, क्योंकि अगर आप लोग तैयारी व्यारी के फील्ड में जाएंगे तो इसका अधिकाधिक प्रयोग वहां पर होता है, तभी से आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को उस लेवल तक तैयार करके, ठीक है, सारे रूल्स सीखते चलिए। अगर कोई संख्या 2
और 3 दोनों से विभाज्य है। विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक, बात समझ गए आप लोग। अगर हमें 6 से विभाज्यता चेक करनी है तो हम देखेंगे क्या दी गई संख्या 2 से विभाज्य है, क्या दी गई संख्या 3 से भी विभाज्य है। अगर संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है, तो एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया 54। अब इसकी 2 से विभाज्यता चेक करिए। देखिए 2 से विभाज्यता कैसे चेक करेंगे, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो इकाई का अंक 4 है, इसका मतलब इस संख्या 2 से विभाज्य है। ठीक है, 3 से विभाज्यता चेक करनी है, क्या करेंगे, 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए संख्याएं जो दी होती हैं उनके अंकों का योग निकालते हैं। ठीक है, तो 5 + 4 आ गया 9। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, इसलिए ये जो संख्या है 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, इसलिए संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। रूल समझ गए। चलिए अब स्टूडेंट, अगर आपको कोई संख्या दी गई है 7 से विभाज्यता चेक करनी है, तो 7 से विभाज्यता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे विभाजित करके ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसे आप भाग देकर के चेक करना, या भी अभी लास्ट में आपको ट्रिक बताएंगे 7 से विभाज्यता का। चलिए 8 से विभाज्यता आप चेक करिए। 8 से विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या की 8 से विभाज्यता की जांच आप कैसे करेंगे। देखिए अगर कोई संख्या दी गई है, उस संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़े का जो नंबर है, उनसे मिलने वाली बनकर के जो संख्या तैयार होगी, यानी कि आखिरी से 3 अंक की जो संख्या है वो 8 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे अगर हमने कोई संख्या इस तरीके से ले ली, तो आपको लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं। ठीक है, जैसे यहां पर 432 लिया, लास्ट के आपको 3 डिजिट लेने हैं। अगर ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। ये बात आपको पकड़ना है यहां से। ठीक है, देखिए विभाजित है कि नहीं, 8 × 5 = 40, 3 × 43 = 32, 8 × 4 = 32, पूरा पूरा कट गया। तो हमने 8 से इसके 3 अंकों को विभाजित किया तो पूरी तरीके से विभाजित हो गई। तो यहां से रूल क्या कहता है कि अब ये पूरी जो संख्या है वो भी 8 से विभाज्य होगी। भाग देकर के आप लोग चेक करना, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए 8 से विभाज्यता का नियम हो गया। 8 से विभाज्यता के लिए आपको लास्ट के 3 अंकों को पकड़ना है, 8 से विभाजित करना है। अगर 8 से विभाजित, पूरी की पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। चलिए 9 से विभाजित करते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम, हमारा ठीक वैसे है जैसे 3 से है। ठीक है, संख्या का अंकों का योग संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। चलिए हम आपको एक उदाहरण करके दिखाते हैं। जैसे हमने यहां पर एक संख्या ले ली 729। ठीक है, अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि यह संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं है। हमने क्या कहा कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो संख्या के अंकों का योग आप निकालिए, क्या आ गया, 7, 2, 9, 9, 18 आ गया। ठीक है, अब 18 क्या 9 से विभाज्य है, तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, तो विभाजित तो है, तो 729 भी 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, चलिए इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग एक नियम और सीखते हैं, 10 से विभाज्यता का नियम। स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई भी संख्या दी गई है
उस संख्या की 10 से विभाज्यता आप चेक करना चाह रहे हो तो क्या करेंगे? अगर इकाई का अंक 0 है, ठीक है, संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। समझ गए? कोई भी संख्या है उसके इकाई का अंक 0 है तो संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे हमने यहां पर एक संख्या 10 ही ले ली, देखिए इकाई का अंक 0 है तो संख्या 10 से विभाज्य है। हमने 50 लिया, इकाई के अंक 0 है तो संख्या 10 से विभाज्य है। हमने संख्या ले लिया 1000, इकाई का अंक 0 है तो संख्या 10 से विभाज्य है। ऐसे आप कोई भी संख्या ले लो, अगर इकाई का अंक 0 है तो संख्या 10 से विभाज्य होगी। नियम समझ गए? चलिए एक आखिरी नियम जो आपके सिलेबस में है, 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम आप लोग समझिए। जैसे आपके पास कोई संख्या इस तरीके से, देखिए ए बी सी डी ई एफ, ऐसे आपके पास कोई भी संख्या दी गई, इस संख्या की विभाज्यता आप 11 से चेक करना चाह रहे हो तो क्या करोगे? देखिए आपको दाईं ओर से बाईं ओर चलना है, ध्यान से समझिए, दाईं ओर से बाईं ओर चलना है, दाईं ओर से बाईं ओर चलना है, तो दाईं ओर से चलिए, एक एक अंक को छोड़ते चलिए, ठीक है। एक अंक को छोड़ दिया, यहां से चले, एक अंक छोड़ा, फिर एक अंक छोड़िए, फिर एक अंक छोड़िए, ठीक है। तो क्या क्या आया, ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी करिए, ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी करिए, इनको हमने जोड़ा, ठीक है भाई, कोई भी संख्या होगी इनको आपको जोड़ना है, जोड़ने के बाद घटाना है, किसको घटाना, जिसको आपने छोड़ा है, बी प्लस डी प्लस एफ। अब अगर इनका अंतर 0 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है, समझ गए, अगर 0 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है तो संख्या 11 से विभाज्य होगी, ठीक है, समझ गए रूल। एक एग्जाम्पल करके आपको दिखा दें, उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्नावली के सवालों। तो यहां पर स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, हमने एक संख्या ले ली, ठीक है, हमने एक संख्या ले ली, अब हम इसकी 11 से विभाज्यता की जांच कर रहे चल रहे, ठीक है। तो कैसे जांच करेंगे, हमने कहा कि आपको दाईं ओर से बाईं ओर चलना है, ये दायां हाथ है तो दाईं ओर से चलिए बाईं ओर, एक एक अंक को छोड़ दीजिए, तो छोड़ दिया भाई, यहां से चले यहां तक चले, अब इसके आगे हमारे पास नहीं है तो नहीं है तो 0 लिख लो, अपनी सूझबूझ के लिए 0 तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए हमने कहा क्या कि जोड़िए अंकों को, जिस जिस पर आपने निशान लगाया, 0 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है, माइनस करिए जिसको छोड़ा है आपने, 1 प्लस 3, ठीक, अंतर निकालिए, 3 × 1 = 4 हो गया, माइनस 1 × 3 कितना हो गया, 4, और आपने 4 में से 4 घटाया, आ गया 0, अब तो 0 आ गया, 0 या 11 आना चाहिए, 0 आ गया तो संख्या 11 से विभाज्य है, अगर 11 आता तब भी 11 से विभाज्य होती, बात समझ गए। चलिए देखिए, ये तो बात हो गई नियम की, तो नियम तो आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि अगर नियम नहीं पता है तो इस प्रश्नावली के प्रश्नों को आप हल